हेलो एवरीवन, मनीष यहां। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। महाराष्ट्र फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो एनुअल फॉर्म फाइल करने होते हैं, जिनको भी फैक्ट्री लाइसेंस लगा है, उनको एक एनुअल फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म नंबर 27, जो कि फर्स्ट फरवरी के पहले आपको वो फॉर्म फाइल करना होता है ऑन लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल। तो वो कैसे फाइल करते हैं वो आज हम देखेंगे। ये पोर्टल है ims.maonline.gov.in। वहां पे आपको लॉगिन करना है, आपका मेल आईडी लॉगिन आईडी होता है और पासवर्ड जो आपने पहले बनाया रहेगा, और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आता है आपका। यहां पे आप लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंसोलिडेटेड एनुअल फॉर्म का ऑप्शन होता है, वहां पे क्लिक करेंगे। देन दो ऑप्शन आता है, लेबर एंड फैक्ट्री। आप फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं तो फैक्ट्री सेलेक्ट करके एंड प्रोसीड करेंगे। देन आपको ये फॉर्म 27 ओपन हो जाता है, एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो ये फॉर्म आपको फिल करना है। ये फॉर्म 5-6 पेजेस के होते हैं और ईच पेजेस अगर आप प्रोसीड करेंगे तो वो सेव हो जाता है डैशबोर्ड में, और उसको आप बाद में जाके देन प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको डिटेल ऑफ फैक्ट्री पूछता है, जहाँ पे डिवीजन देना है, जो आपका डिवीजन है। देन ऑफिस नेम डालना है, और मोस्ट ऑफ लिस्ट, ये जो रीजनल लिस्ट है वहां से मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। तो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन है, डिवीजन नेम, पीएसएन, रजिस्टर नंबर, एनआईसी। तो ये सारे डिटेल आपको यहां से मिल जाएंगे, और ये लिस्ट में आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं, आइदर कोड से या फिर नाम से भी आप ये लिस्ट के अंदर सर्च कर सकते हैं। ये पीएसएन डाउनलोड करने के बाद, और वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फैक्ट्री क्या है, एनआईसी नंबर क्या है, वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे ये पीडीएफ के अंदर। आपके पास पेपर रहेगा उधर से आप डाल सकते हैं, यहां से भी आप ये डिटेल्स डाल सकते हैं। आप ये हमारा फैक्ट्री नंबर है, एंड देन एनआईसी नंबर, सेकेंड लास्ट एनआईसी नंबर है, जैसे आप फैक्ट्री डिटेल बात डालते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पूछता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या है। उसके बाद आपको फैक्ट्री का एड्रेस डालना है यहाँ पे, फैक्ट्री एड्रेस जो आपके लाइसेंस में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे फैक्ट्री का एड्रेस डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पेज देखेंगे, फर्स्ट पेज कैसे फिल करते हैं। फर्स्ट पेज फिल करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और ये डैशबोर्ड में सेव हो जाता है। उसके बाद एवरी स्टेप आप कर सकते हैं, स्टेप वन के बाद स्टेप टू आएगा, वो फॉर्म आप ओपन करेंगे, वहां पे जो भी डिटेल्स आते हैं वो फॉर्म सबमिट करेंगे तो देन स्टेप थ्री जाता है। तो जो भी फॉर्म्स रहेंगे उसमें जो डिटेल्स रहेंगे वो आप भरते जाएंगे, एंड दिन बाद में आपको एक पेमेंट करना होता है, नॉमिनल अमाउंट इसका, और ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है,
यहाँ पे सेक्शन पूछते हैं कि फैक्ट्री एक्ट के कौन से सेक्शन में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेलेक्ट सेक्शन, टाइप ऑफ फैक्ट्री पूछता है आपका प्राइवेट प्राइवेट फैक्ट्री है या प्राइवेट फैक्ट्री है, तो आप सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, हमारा प्राइवेट है तो प्राइवेट। देन उसके बाद टाइप ऑफ सेक्टर पूछता है, प्रोप्राइटरी है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, तो वो आप वैसे सेलेक्ट करेंगे। एंड देन और जो फैक्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट किसने किया है वो पूछ रहा है, तो वो यहाँ पे डालते हैं। ये फॉर्म एक बार सबमिट आप जैसे ही करेंगे तो फिर आपको एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है, तो आपको केयरफुली जो डिटेल्स है वो चेक कर लेने हैं। देन उसके बाद एवरी पेज में आपको डिटेल्स चेक करके सबमिट करना है, बिकॉज अगर उसमें मिस्टेक होते हैं तो फिर आपको ये एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, दूसरा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एवरी स्टेप पे आपको देख के करना है, और सेम एवरी स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो डालने हैं, बाकी जो नॉमिनल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही डालने होते हैं। इसके अंदर एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है जहाँ पे आपको वेजेस का डिटेल डालना होता है कि नंबर ऑफ वर्कर कितने दिन काम किए हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो वो जैसे फॉर्म में है उसके अकॉर्डिंगली आप ये डाल सकते हैं। बेटर है अगर आपका ऑलरेडी पहले लास्ट ईयर में फाइल हुआ है तो आप साथ में